नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग NCERT सीरीज में हिस्ट्री क्लास सिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्लास सिक्स हिस्ट्री से 55 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लगभग आप प्राचीन भारत से आने वाले सभी प्रश्नों को करने के स्थिति में होंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने समरी की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले आप समरी की वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा प्रॉफिट होगा, आप अच्छा समझ पाएंगे। ओके, आइए फटाफट जो है बहुत कम समय में इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन मिलता है AD, BC, BCE या CE। यहाँ आंसर हो जाएगा BC, बिफोर क्राइस्ट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। अगर AD की बात करें तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। BCE की बात करें तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और CE का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा का यूज हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं, और प्रेजेंट टाइम से पहले की बात करें तो BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा का यूज आजकल किया जाता है। ओके, तो एक का आंसर हो गया B। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कहा जा रहा है कि भरत शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपको ऑप्शन मिलता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। भरत जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए यूज किया जाता था, और इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? आपको ऑप्शन मिलता है 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा B, 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे हम लोगों ने पढ़ा था कि नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। अगर हम बात करें 4700 वर्ष पूर्व की, तो 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे नगर विकसित हुआ। बात करें 8000 वर्ष पूर्व की, तो 8000 वर्ष पूर्व के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, चौथा, ऋग्वेद की रचना कब हुई? आपको ऑप्शन मिलता है 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा B, 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नवपाषाणिक पुरा स्थल है? आपको ऑप्शन मिलता है चिरांद, हुसगी, भीमबेटका, कुर्नूल गुफाएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, चिरांद। यह जो है नवपाषाणिक पुरा स्थल है। अगर हम बात करें हुसगी, भीमबेटका और कुर्नूल गुफाएं की, तो ये तीनों ही नवपाषाणिक जो है पुरा स्थल है। हुसगी की बात करें तो यह कर्नाटक में है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, और कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, चिरांद बिहार में है। छठा प्रश्न है कि मैक्रोलिथ या लघु पाषाण किस काल के औजार को कहते हैं? आपको ऑप्शन मिलता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्रोलिथ या लघु पाषाण जो है मध्य पाषाण काल के हथियार को या औजार को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं काल को, तो पुरा पाषाण काल जो है मतलब प्राचीन समय से लेकर 12000 वर्ष पूर्व तक को माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो है कालक्रम देखें तो 12000 से 10000 साल पहले का माना जाता है, और 10000 के बाद का जो अभी तक का समय है इसे हम लोग नवपाषाण काल में रखते हैं। पुरा पाषाण काल का जो औजार या हथियार हुआ करता था बहुत ही बेडौल था, बड़ा बड़ा था। मध्य पाषाण काल में आके हथियार या औजारों की जो मतलब कह सकते हैं सूक्ष्मता बहुत ही कम हो गई, इसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है सातवां, राख का अवशेष कहाँ मिला है? आपको ऑप्शन मिलता है चिरांद, हुसगी, कुर्नूल गुफाएं या भीमबेटका। यहाँ आंसर हो जाएगा C, हुसगी में जो है राख का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरा स्थल पर अधिकांश औजार चुन्ना पत्थर के बनाए जाते थे? आपको ऑप्शन मिलता है चिरांद, हुसगी, भीमबेटका या कुर्नूल गुफाएं। यहाँ आंसर हो जाएगा हुसगी। हुसगी में हम पाते हैं कि हुसगी जो है पुरा पाषाण काल का एक पुरा स्थल है, यहाँ हम लोग पाते हैं चुन्ना पत्थर के औजार बहुत सारे। ठीक है, हुसगी कर्नाटक में है। नौवां प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है, गाय, सुअर, कुत्ता या बकरी। इसका आंसर हो जाएगा C, कुत्ता के जंगली पूर्वज को सबसे पहले पालतू बनाया गया, चूंकि अब यह कुत्ता पालतू कुत्ता है, पहले जब किसी ने पाला ही नहीं था तो उसे हम कह सकते हैं जंगली कुत्ता। दसवां प्रश्न है, गर्तवास किस स्थान से संबंधित है? पय्यमपल्ली, महागढ़ा, बुर्जहोम या चिरांद। देखिए, गर्तवास का मतलब होता है कि जमीन के अंदर घर बना के रहने की स्थिति। पहले जो है प्राचीन समय में लोग ठंड से बचने के लिए गर्तवास में रहते थे, तो गर्तवास
का उदाहरण हमें मिलता है बुर्ज होम में। बुर्ज होम जो है कश्मीर में एक जो है पुरास्थल है। तो इस प्रकार 10 का आंसर हो गया सी, बुर्ज होम। अगला है 11वां प्रश्न, मेहरगढ़ किस दर्रा के निकट स्थित है? आपको ऑप्शन मिलता है बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ 11 का आंसर हो जाएगा ए, बोलन दर्रा। ठीक है, मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा के पास स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल है जो कि पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। 11वां प्रश्न है कि हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ है? कश्मीर, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश या अफगानिस्तान? तो हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में। तो यह आंसर हो गया 12 का बी। ठीक है, हड़प्पा पूरा स्थल के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विषय में। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहली नगरीय सभ्यता है यह, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चन्हुद्रो, लोथल जैसे अन्य नगर भी है। चूंकि सबसे पहले इन नगरों के क्रम में हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए हड़प्पा के बाद जितने भी नगर इस प्रकार के खोजे गए सबको मिला के इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है कि नगर दुर्ग नगरों का कौन सा भाग होता था? यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे मुख्यतः दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा था पश्चिमी हिस्सा, दूसरा था पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, जो ऊंचाई पर था, वहाँ विशिष्ट लोग हुआ करते थे, रहते थे। और पूर्वी हिस्सा बहुत बड़ा था और निचले इलाके में था, वहाँ निम्न लोग रहते थे, उसे निचला नगर भी कहा जाता था। तो नगर दुर्ग नगरों का कौन हिस्सा हुआ? पश्चिमी हिस्सा, ऊंचाई पर रहते थे, विशिष्ट लोग वहां रहते थे। तो 13 का आंसर हो गया बी। चलिए, अगला है, महान स्नानागार कहाँ बनाया गया था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमें महान स्नानागार का साक्ष्य मिला है। महान स्नानागार की अगर बात करें तो यह एक खास तालाब हुआ करता था, जिसमें जो है पानी के न रिसने के लिए प्लास्टर किया गया था, फिर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, इसमें सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, साथ ही चारों तरफ से कमरे बने हुए थे ताकि लोग चेंज कर सके नहाने के बाद या उसके पहले। अगला 15वां प्रश्न है, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आपको ऑप्शन मिलता है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर कहीं नहीं। तो यहाँ 15 का आंसर हो जाएगा सी, लोथल में हमें जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल के साथ साथ कालीबंगा में भी मिले हैं। और अग्निकुंड का अर्थ क्या है? अग्निकुंड के साक्ष्य मिलने का अर्थ है कि उस समय लोथल और कालीबंगा में शायद यज्ञ किए जाते होंगे। तो 15 का आंसर हो गया सी, अग्निकुंड जब भी आए तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में लोथल और कालीबंगा। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर सामान्यतः किसके चित्र मिलते हैं? बहुत ही लड्डू सा आंसर है। जब भी हड़प्पा सभ्यता के मुहर की बात की जाए आप जानवरों को याद रखिएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, जानवरों के चित्र हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर मिलते हैं। अगला है 17वां प्रश्न, कपास की खेती का अनुमान कहाँ किया गया? मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़ या चन्हुद्रो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ में जो है लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती नदी के उपनदी के किनारे कौन सा नगर था? धौलावीरा, लोथल, मेहरगढ़ या चन्हुद्रो? यहाँ 18 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल जो है गुजरात में एक हड़प्पा कालीन नगर है, और जो है यह धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। चन्हुद्रो की बात करें तो चन्हुद्रो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और लोथल जो है साबरमती नदी के उपनदी के किनारे स्थित है। तो 18 का आंसर हो गया बी। 19वां प्रश्न है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन मिलता है संस्कृत, व्याकरण, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र और गणित। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सा शास्त्र से। चरक नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनाम गांव किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको ऑप्शन मिलता है भीमा, घोड़, यमुना या फिर कोई नहीं। यहाँ 20 का आंसर हो जाएगा बी, घोड़ नदी के किनारे जो है इनाम गांव अवस्थित है। घोड़ नदी की बात करें तो यह भीमा की सहायक नदी है, और इनाम गांव की बात करें तो महाराष्ट्र में यह हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। तो यहाँ 20 का आंसर हो गया बी। 21वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक लड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इन कथनों में पहचानना है कि ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयाँ होती थी कौन सा कथन गलत है। पहला, मवेशियों के लिए लड़ाई होती थी, ये टाइपिंग की परेशानी है।
तो मवेशियों के लिए लड़ाई होती थी, यह कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल में लोग लड़ाई करते थे मवेशी जीतने के लिए। अच्छी चरागाह के लिए लड़ाई होती थी, यह कथन भी सत्य है। युद्ध के लिए अस्थाई सेना होती थी, यह कथन गलत है। उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में अस्थाई सेना नहीं होता था, जबकि जब भी युद्ध करना होता था इलाके के सभी लोग सेना के रूप में काम करते थे। तो अपना आंसर हो गया सी, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है कि ऋग्वैदिक काल के राजा कैसे हुआ करते थे। आपको जो है ऑप्शन मिलता है, इनको कर व सुनने का अधिकार था, इनके पास बड़ी सेना होती थी, ये महलों और राजधानियों में नहीं रहते थे, या राजा के बाद उनका पुत्र राजा बनता था। यहाँ 22 का आंसर हो जाएगा सी, ये महलों और राजधानियों में नहीं रहते थे। ठीक है, ये कथन सबसे सत्य है, बाकी सारे तीनों कथन गलत है। ना तो इनको कर व सुनने का अधिकार था, ना ही इनके पास कोई बड़ी सेना होती थी, और ना ही इनका जो पद था वो आनुवांशिक था कि इनके बाद इनका पुत्र राजा बन जाए। तो इस प्रकार 22 का आंसर हो गया सी। 23वां प्रश्न है, भाषा परिवार से संबंधित, कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? आपको ऑप्शन मिलता है भारोपीय भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। यहाँ 23 का आंसर हो जाएगा डी, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगर हम लोग भाषा परिवार की बात करें तो जब कुछ भाषाएं आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो उनको एक भाषा परिवार में रख दिया जाता है। तो यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आपस में कुछ करीब हैं, तो इन चारों को एक भाषा परिवार में रखा गया है, जिसे द्रविड़ भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें भारोपीय भाषा परिवार के विषय में, तो भारोपीय का मतलब है भारत प्लस यूरोपीय। तो भारत के लगभग उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं और फिर यूरोप में जितनी बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इन सभी को मिलाकर भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत, असमिया, गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें जो है तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में रखा गया है। अगर बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की, तो झारखंड या मध्य भारत के जंगली क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ आंसर हो गया ए, बहुत ही लड्डू प्रश्न था। ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल में लिखा गया ग्रंथ है, बाकी तीनों जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह उत्तर वैदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको ऑप्शन मिलता है वत्स, कुरु, अवंती, मगध। यहाँ आंसर हो जाएगा ए, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, इसे हम लोग समझते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न को कैसे डील किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है कि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यह स्टेटमेंट सही है, मगध के जो है दोनों ओर से गंगा और सोन नदी बहती थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। यह स्टेटमेंट भी सही है, और इन दोनों बातों के कारण ही मगध बहुत ही जो है प्रसिद्ध और कह सकते हैं कि भारी उस समय का महाजनपद बना, क्योंकि जंगलों से उन्हें हाथी मिलते थे, फिर खनिज मिलते थे, उसके साथ साथ जो है लकड़ियाँ मिलती थी, नदियों से यातायात का साधन होता था, इस प्रकार इनको बहुत अधिक एडवांटेज था। उसके बाद बताई जा रही है कि मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, जिसे आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, बाद में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। यहाँ एक और दो ऑप्शन सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, एक और दो। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य एक और दो है, तो आंसर हो गया ए, एक और दो। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? सारनाथ, कुशीनारा, अमरावती या सांची। हम सभी जानते हैं, बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। अगर बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध जो है शाक्य गण से संबंधित थे, इनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया, उसके बाद ये जीवन भर लोगों को उपदेश देते रहे और पैदल चले, उसके बाद कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर कथन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। पहला कथन है कि मागधी प्राकृत भाषा की क्षेत्रीय स्वरूप थी, यह स्टेटमेंट सही है।
उस समय प्राचीन काल में प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, लेकिन प्राकृत भाषा अपने अलग अलग स्वरूप में थी, क्षेत्रीय स्वरूप में। जैसे मगध के क्षेत्र में अगर जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे मागधी के नाम से जानते थे। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, विनय पिटक ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। यह स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो विनय पिटक ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें चर्चा मिलती है कि लोग संघ में कैसे रहते थे, संघ में रहने का नियम बताया गया है विनय पिटक में, बौद्ध धर्म से संबंधित है यह। अब पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, सत्य केवल एक है, इसलिए आंसर हो गया ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि बुद्ध के शिक्षाओं का लेखन कार्य सामान्यतः प्राकृत भाषा में हुआ। यह स्टेटमेंट सही है, बुद्ध जो है प्राकृत भाषा में ही कुछ कहते थे, क्योंकि यह आम लोगों की भाषा थी और वह लोगों से अधिक कनेक्ट कर पाते थे इस भाषा में। दूसरा है, सारनाथ में इन्होंने अपनी पहली उपदेश दी। यह स्टेटमेंट भी सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, दोनों सत्य होने के कारण आंसर हो गया सी, दोनों। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट, बौद्ध धर्म के संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, महिलाओं एवं पुरुषों के रहने का अलग अलग व्यवस्था था। यह स्टेटमेंट सही है, बौद्ध धर्म के का जो संघ था वहाँ कोई भी जाके प्रवेश ले सकता था, महिला और पुरुष अलग अलग रहते थे, इनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि संघ में प्रवेश करने के लिए किसी के अनुमति की जरूरत नहीं थी। यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ में अगर किसी को प्रवेश करना है तो उसे अनुमति लेनी होगी। अगर वह बालक है तो अपने माता पिता से अनुमति लेगा, स्त्री है तो अपने पति से अनुमति लेगी या अपने पिता से अनुमति लेगी, कोई राज कर्मचारी है तो राजा से अनुमति लेगा, कोई दास है तो अपने मालिक से अनुमति लेगा। बिना अनुमति के वह संघ में नहीं रह सकता था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं मतलब गलत, दूसरा स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है। तो आंसर हो गया बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, पाणिनि की रचना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन मिलता है बीजगणित, भूगोल, व्याकरण और चिकित्सा विज्ञान। यहाँ आंसर हो जाएगा सी। हम सभी जानते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य किसकी शिक्षा है। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, जरथुस्त्र या फिर इनमें से किसी की नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, जरथुस्त्र की शिक्षा है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जरथुस्त्र जो है एक ईरानी पैगंबर थे, इनके शिक्षाओं का संकलन हमें जेंद अवेस्ता में मिलता है। जेंद अवेस्ता जो रचना है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो वेद से बहुत ही अधिक, मतलब कहते हैं निकट माना जाता है। उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है या जिस रीति रिवाज की बात की गई है वो वेद से काफ़ी निकट है। ठीक है, तो 32 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको ऑप्शन मिलता है बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। यहाँ आंसर हो गया सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। अगला है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। पाणिनि, कौटिल्य, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हो गया बी, कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अब बताया जा रहा है कि आधुनिक भारत की अधिकतर लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है। आपको ऑप्शन मिलता है देवनागरी, बांग्ला, ब्राह्मी या तमिल। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि है और आने वाले समय में ब्राह्मी लिपि से ही अनेक सारी लिपियाँ निकल के आई हैं आधुनिक भारत की। ठीक है, तो 35 का आंसर हो गया सी। 36 है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं। देखिए यहाँ अधिकतर की बात हो रही है, सभी नहीं, जरूरी नहीं कि उनके सभी जो है अभिलेख एक ही भाषा या लिपि में मिले हुए हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या प्राकृत में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है हमें देवनागरी लिपि और प्राकृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म को कहाँ कहाँ प्रसारित किया। श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र या उपयुक्त सभी। यहाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अशोक ने धम्म की नीति दी जिसमें लोगों को आपस में जो है एक सौहार्द के साथ रहने की बात कही, धर्म के नाम पर कट्टरता से दूर रहने की बात की। इन्होंने अपने देश में, अपने क्षेत्र में तो इस बात को फैलाया ही, साथ साथ सीरिया, मिस्र, ग्रीस या श्रीलंका जैसे देशों में राजदूत को भेज कर भी इस धम्म को या इस धर्म को प्रचारित या प्रसारित किया। अगला प्रश्न है कि भारत में मौर्य के बाद सबसे पहले आए विदेशी आक्रमणकारी का नाम क्या है। आपको ऑप्शन मिलता है कुषाण, शक, हिंद यवन या हिंद पार्थियन। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, हिंद यवन। अगर हम बात करें तो मौर्य के बाद हिंद यवन ने
जो है उत्तर पश्चिम में शासन किया लगभग 100 साल तक। उसके बाद शक शासक आए जिन्होंने 500 साल तक शासन किया। उसके बाद कुषाणों की चर्चा हमें मिलती है। यहाँ मिलान करने के लिए दिया जा रहा है, ये दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा वेलल्ला का अर्थ क्या होता है, या दक्षिण भारत के संदर्भ में वेलल्ला किस संदर्भ में यूज किया जाता है। तो यहाँ मिलान करके हम लोग देखते हैं, वेलल्ला का मतलब होता है भूस्वामी। अगर बात करें कड़ैसियार की तो कड़ैसियार का मतलब होता है भूमिहीन मजदूर। अगर अदिमई की बात करें तो दास को अदिमई कहा जाता है, और उणवार को कहा जाता है, हलवाहा को कहा जाता है उणवार। ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए, आपने तो समरी में देखा ही होगा, या आप जब सिक्स क्लास के NCERT को पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दी गई है। कहा जा रहा है कि संगम साहित्य की रचना लगभग कितने साल पहले की गई। आपको ऑप्शन मिलता है 2500 साल पहले, 2300 साल पहले, 3000 साल पहले, या 3500 साल पहले। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अज्ञात यूनानी नाविक ने बेरिगाजा किस जगह को कहा है। बेरिगाजा किस जगह को यूनानी नाविक ने कहा है। आपको ऑप्शन मिलता है अरिकामेडु, भरूच, पुडुचेरी, या फिर इनमें से किसी को नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, भरूच को जो है एक अज्ञात यूनानी नाविक ने बेरिगाजा के नाम से कहा है। भरूच जो है बेरिगाजा का भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ एक पतन हुआ करता था जहाँ से व्यापार होता था। हो सकता है कि वह यूनानी नाविक इसी पतन पर सबसे पहले आया होगा और यहाँ नाम पढ़ा होगा भरूच और इसे बेरिगाजा कह दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है कि सबसे पुराना आहत सिक्का किस धातु का बनता था। देखिए यहाँ एक प्रश्न तो प्रश्न से ही बन जाता है कि सबसे पुराना सिक्का कौन है, तो आहत सिक्का है। और अगर बात करें कि यह किस धातु से बनता था तो यहाँ आंसर हो जाएगा सोना और चांदी सी। ठीक है, सोना और चांदी से आहत सिक्का बनाया जाता था जो लगभग 500 सालों तक चला था जब से यह स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में मुवेंदर मुवेंदार होगा, मुवेंदार शब्द की चर्चा है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। आपको ऑप्शन मिलता है गृहपति, नरेश, तीन मुखिया, या श्रमिक। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, तीन मुखिया के लिए जो है मुवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। संगम साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है। मुवेंदार जो है एक तमिल शब्द है, तमिल क्षेत्र के तीन शासकों के मुखियाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और ये तीन शासक थे चोल, चेर तथा पांडे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से किनको जाना जाता है, चोल, चेर, सातवाहन, या पांडे को। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, सातवाहन राजाओं को जो है दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ के स्वामी का मतलब हुआ कि दक्षिणापथ में जितने भी राजा थे उन पे किसने अपना अधिकार किया या किसने वहाँ अभियान किया। तो सातवाहन राजाओं ने दक्षिणापथ में अपना अभियान किया, इसलिए उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है। सातवाहन राजाओं में जो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। उनके विषय में जो है जानकारी उनके माँ के अभिलेख से हमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम का तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। आपको ऑप्शन मिलता है भारत, चीन, ईरान, और यूरोप। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, चीन में सबसे पहले रेशम की तकनीक का जो है इजाद हुआ। इसे बहुत दिनों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे व्यापारियों के माध्यम से या फिर उपहार के रूप में जब चीन के शासक किसी दूसरे शासक को रेशमी कपड़ा देते थे, ऐसे करके अधिक लोगों तक पूरे दुनिया में यह फैल गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। आपको ऑप्शन मिलता है नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व, या फिर कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की है। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कनिष्क और उसी के दरबार में रहते थे अश्वघोष, और उन्हीं ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे पहले भारत कौन आया। आपको ऑप्शन मिलता है फाशियन, चूँकि देखिए ये वर्ड है NCERT में ऐसे ही लिखा गया है इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, कहीं कहीं इसे फाहियान के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन मिलता है फाहियान, श्वेंतसांग, इत्सिंग, या फिर कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा ए, फाहियान सबसे पहले जो है भारत आने वाला चीनी बौद्ध यात्री है। यह लगभग 400 ईस्वी में जो है भारत आया है। इसके बाद श्वेंतसांग 600 ईस्वी में आया है, फिर 650 ईस्वी के आसपास इत्सिंग भारत आया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन मिलता है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। अगर हम लोग बात करें गुप्त वंश की तो गुप्त वंश के जो है स्थापक थे चंद्रगुप्त, उनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति जो है
हरिश्चंद्र चूंकि समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले दरबारी कवि थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के विषय में एक प्रशस्ति लिखी जिसे इलाहाबाद में एक स्तंभ पर खुदवा दिया गया और उसी को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की बड़ाई की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शक शासक को पराजित करके शक विजेता का उपाधि धारण किया? आपको ऑप्शन मिलता है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया और शक शासक को पराजित करके शक विजेता की उपाधि धारण की। इसके बाद है, हर्षचरित की रचना किसने की? आपको ऑप्शन मिलता है हरिश्चंद्र, कालिदास, बाणभट्ट या आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। यह इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की है। ये हर्ष के दरबार में रहने वाले दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? आपको ऑप्शन मिलता है मदुरै, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या वल्लभी। इसका आंसर हो जाएगा बी, कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। और अगर हम बात करें चालुक्य राजाओं की, तो इनकी राजधानी ऐहोल थी, जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बाद में जाकर धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, कालिदास की, बाणभट्ट की या आर्यभट्ट की? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, रचना है, आप सभी जानते हैं कालिदास ने इनको लिखा है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित मेहरौली के लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? आपको ऑप्शन मिलता है 7.5 मीटर, 7.2 मीटर, 8 मीटर या 7.7 मीटर। तो यहाँ जो है मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो 7.2 मीटर ऊंचा है। हम सभी इसके विषय में पढ़ चुके हैं। इसका वजन लगभग 3 टन से ज़्यादा है। अगर इसके बात करें विशेषता की, तो इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ आंसर हो गया 53 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एकाश्म मंदिर का उदाहरण है? आपको ऑप्शन मिलता है भीतरगांव का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था एकाश्म मंदिर के विषय में। एकाश्म मंदिर का मतलब होता है कि एक ही पत्थर या एक ही पहाड़ को काटकर जब कोई मंदिर बनाई जाती है उसे एकाश्म या एकाश्मिक मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह एकाश्मिक मंदिर का उदाहरण है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? आपको ऑप्शन मिलता है भारत, जापान, चीन तथा कोरिया। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, हम लोगों ने पढ़ा था कि चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया। लून नाम के किसी व्यक्ति ने इस पद्धति को सबसे पहले खोजा था, बाद में धीरे धीरे करके यह दुनिया में हर जगह फैल गया। तो आज का ये अपना 55 प्रश्न था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर आप इस सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं, NCERT के समरी को भी आपने पहले देखा है, तो काफ़ी अच्छे से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आगे फिर हम लोग NCERT समरी के सीरीज में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।